नमस्ते दोस्तों, सुमिता किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए बसंत पंचमी स्पेशल खीर की रेसिपी लेके आई हूँ। दोस्तों बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब बनती है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर बना के देखें, आपके घर वाले पसंद करेंगे, सबको पसंद आएगा। इतनी टेस्टी और इतनी लाजवाब खीर बनती है। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब चलिए इस खीर को हम कैसे बनाएं देखते हैं। सबसे पहले तो हम चावल ले लिया है, आधा घंटा के लिए भिगो के रख दिया था। देखिए और चावल हमारी फूल गई है। हम दो बार धो के पानी निकाल लिया है। अब हम गैस पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 2 लीटर दूध ले लिया है। दूध हम गर्म होने के लिए रख दिया है। फुल क्रीम दूध है, कोशिश करें फुल क्रीम दूध में ही बनाएं, बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट खीर बनती है। अब हम दूध में बॉयल आने देंगे। देखिए दूध में हमारी बॉयल आ गई है। अब हम चावल को डाल देंगे। डाल दिया है, अब हम मिक्स करेंगे। दोस्तों हम बताना भूल गए, 2 लीटर दूध में हम 250 ग्राम चावल मिलाए हैं। आप अपने हिसाब से मिला सकती है। इसी तरह से हम चलाते रहेंगे। एक बात का ध्यान रखिए, जब आप खीर बनाएं गैस के पास ही रहे, नहीं तो हमारी दूध ऊपर आ जाएगी। 2 तेज़पत्ता ले लिया है, अब वो डाल देंगे। खीर से बहुत अच्छी खुशबू आती है। आप एक बार इस तरह से डाल के बना के देखिए। अब हम चावल का गलने तक इसी तरह से चलाते रहेंगे। चलिए दोस्तों अब चेक करते हैं। देखिए 90% चावल गल गई है। हम गैस का फ्लेम मीडियम करके पकाया है 10 मिनट तक। कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिया है, किशमिश है वो डाल देंगे, और मखाना है वो भी डाल दिया है, थोड़ी सी चिरंजी डाल दिया है। इसके जगह और भी ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। देखिए कितनी बढ़िया लग रही है। 5 मिनट और पका लेंगे हम। चलिए अब 5 मिनट बाद फिर से चेक करते हैं। देखिए चावल हमारी गल गई है। अब हम 1 कटोरी चीनी डाल देंगे, मीठा आप अपने हिसाब से डालें। अब मिक्स कर देंगे। मिक्स कर दिया है। आधा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे, इलायची पाउडर ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छी खुशबू आती है, ऑप्शनल है। इसी तरह से 1 मिनट और चला लेंगे। चीनी डालने के बाद खीर पतली हो जाती है, तो 1 मिनट चला लेंगे तो खीर हमारी परफेक्ट बन जाएगी। 1 मिनट हो गई है, कितनी गाढ़ी हो गई है, ठंडी हो जाएगी तो और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम दूसरी गैस पे रख देंगे। इधर हमने एक कढ़ाई ले लिया है, 2 चम्मच चीनी डाल दिया है। अब चीनी को हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, और गैस का फ्लेम लो कर दिया है। हमें कैरामेल से बनाना है। जैसे ही कढ़ाई हमारी गर्म होती जाएगी, चीनी भी मेल्ट होती जाएगी। ये दोस्तों चीनी हमारी मेल्ट हो रही है, इस तरह से हमें चलाते रहना है। देखिए मेल्ट हो गई है, हम थोड़ी देर और चला लेंगे, थोड़ी सी और कलर चेंज करेंगे। गैस का फ्लेम लो करके ही करना है हमें, नहीं तो जल जाएगी। देखिए कितनी बढ़िया कलर आई है। इसी तरह से 1 मिनट और चलाया है, अब बिल्कुल रेडी है। अब गैस को बंद कर देंगे। अब हम खीर के अंदर डाल देंगे और चला लेंगे। इसी तरह से चला देना है, फिर से डाल देंगे और चला देंगे। देखिए दोस्तों कितनी बढ़िया कलर आई है खीर की। अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार खीर बनती है। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें, आपके घर वाले बहुत ही पसंद करेंगे और बार बार इसी खीर को मांगेंगे। आप इस बसंत पंचमी में इस खीर को घर पे बनाएं और माँ सरस्वती को भोग लगाएं। देखिए दोस्तों खीर हमारी बिल्कुल रेडी है। दोस्तों अगर मेरी खीर की रेसिपी आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और साथ ही बेल आइकन को दबा देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। अब चलिए दोस्तों अगले वीडियो पर मिलते हैं।